बरेली शुगर मिल के जीएम पद पर तैनात एसडीएम ज्योति मौर्य और उनके सफाई कर्मी पति आलोक मौर्य का विवाद बढ़ता ही जा रहा है। एक नया वीडियो सामने आया है जिसे लेकर भीम आर्मी पुलिस के पास भी पहुंच गई है। लेकिन पहले संक्षेप में आपको पूरा मामला बता देते हैं। आलोक मौर्य और ज्योति की शादी 2010 में हुई थी। आलोक ने ज्योति की तैयारी में हर संभव मदद की। 2015 में ज्योति मौर्य 16वें रैंक के साथ पीसीएस अधिकारी भी बन गई। दोनों की दो जुड़वा बेटियां भी हैं। लेकिन चंद ही सालों में ऐसा क्या हुआ कि परिवार का मामला अखबार में आ गया। दरअसल सफाई कर्मी के पद पर तैनात पति आलोक मौर्य ने अपनी एसडीएम पत्नी पर बेवफाई के साथ साथ रिश्वत लेने जैसे गंभीर आरोप भी लगाए हैं और पुलिस को सबूत भी सौंपे हैं। आलोक मौर्य का आरोप है कि उनकी पत्नी ज्योति का होमगार्ड कमांडेंट के पद पर गाजियाबाद में तैनात मनीष दुबे के साथ अवैध संबंध है और दोनों मिलकर उनकी हत्या करवा सकते हैं। सर, इसका सर मेन कारण सर है मनीष दुबे के साथ उनका अवैध संबंध। सर, जिसकी जानकारी सर हमें करीब साल भर पहले हुई, लेकिन सर उन्होंने कहा कि दोस्ती है। खैर सर, हमारी पत्नी सर एसडीएम थी उस समय, इलाहाबाद प्रयागराज में सोराम तहसील में रहीं। तो मैंने कहा सर बड़े पद पे हैं, दोस्ती तो हो ही सकती सर, अधिकारियों से बात साथ बैठना उठना हो। तो मैंने सर उन्होंने मैं ये कह के टाल दिया, तो सर मैंने ध्यान नहीं दिया। सर इसकी भनक सर मुझे उसका ये जो शक था वो विश्वास सर 22 फरवरी को हुआ, जब मनीष दुबे गाजियाबाद से चलकर सर मेरे आवास इलनगंज स्थित सरकारी आवास पे आया और इनके साथ एक साथ कमरे में मैंने इनको देखा अवैध संबंध बनाते हुए। तब से सर ये मनीष दुबे और ज्योति मौर्य मेरे जान के पीछे पड़ गई हैं। कौन है, पूरी कहानी बताइए, क्या मामला सर? 2010 में ज्योति मौर्य के साथ मेरी शादी हुई सर। मैं सर पंचायत राज विभाग में सर 2009 में सिलेक्ट हुआ प्रतापगढ़ में। सर वहीं पर नौकरी कर रहा हूँ सर। और 2010 में इनसे 19 नवंबर को मेरी शादी हुई और सर उसके बाद हमारे संबंध बहुत अच्छे रहे। इन्होंने कहा मुझे पढ़ना है सर, मैं इनको पढ़ाने के लिए मैं इलाहाबाद लेके आया और इलाहाबाद में सर द काउंसिल कोचिंग है, वहाँ पे इलाहाबाद की सबसे अच्छी कोचिंग थी। मैंने वहाँ पे किसी तरह सर पिताजी के सहयोग से, भाइयों के सहयोग से और यहाँ तक कि मैंने अपने डीपीआरओ साहब के सहयोग से पैसा उधार लेके इनको कोचिंग कराया। और सर ये मेहनत भी की सर और सक्सेस भी हुई। 2015 में ये सर एसडीएम पद पे चयन हुई, 16वीं रैंक इनकी आई। सर बहुत खुशी का माहौल हुआ कि हम एक छोटे पद पे रहते हुए अपनी पत्नी को इतना आगे ले गए, वो भी बहुत खुश थी, पूरा परिवार खुश था। और सर 2015 में ही मेरी सर भगवान की दया से मुझे इतनी खुशी मिली कि मेरी दो जुड़वा बिटिया भी हुई और जिनका नाम हंसी खुशी मैंने रखा, क्योंकि उस समय खुशी का माहौल चल रहा था सर। और सर बहुत अच्छा चल रहा था। लेकिन सर 2020 में ये मनीष दुबे जो जिला कमांडेंट होमगार्ड है उसकी एंट्री होती है हम दोनों पति पत्नी के बीच में और सर घर इतनी तबाही पे पहुंच चुका है कि घर तो टूट ही रहा है, बच्चे तो दूर हो ही रहे हैं, पत्नी दूर हो ही रही है सर। यहाँ तक कि मैं मुकदमा भी मेरे ऊपर हो गया है और मेरी मौत की साजिश भी रची जा रही है। क्या धमकी, आपको कोई धमकी दी उन्होंने? हाँ सर, उन्होंने फ़ोन पे सर अभी एक हफ्ते पहले फ़ोन पे सर उन्होंने हमारे गांव के किसी लड़के से बात की तो उसने मुझे कॉन्फ्रेंस किया। तो उन्होंने उस पे कहा कि तो जो तुम काम कर रहे हो, जो ये जांचें करा रहे हो या करा रहे हो, इसके कारण तुम्हारी जल्दी से तुम मर जाओगे। हमने कहा ठीक है, आप मरवा दीजिए। तो मैं नहीं मरवा रही हूँ, जो करवा रहे हो इसके कारण मारे जाओ। बिल्कुल सर बहुत जास्ती हो रही है सर। और सर मैं यही चाहता हूँ कि सर अगर मेरी जान जाती है, कुछ भी मेरा होता है, इसके पूरे पूरे जिम्मेदार सचिन मौर्य हैं, ज्योति मौर्य और जिला कमांडेंट गाजियाबाद के कारण ही मेरी जान जाएगी। ये मामला सामने आते ही बवाल मच गया, सोशल मीडिया भर गया, भोजपुरी गाने बन गए। इस बीच एक नए वीडियो पर बवाल शुरू हो गया है। इस वीडियो में एक महिला है जिसका चेहरा ब्लर है। वो महिला जाति सूचक गालियां दे रही है। दावा किया गया कि ये एसडीएम ज्योति मौर्य है। भीम आर्मी ने इस वीडियो के आधार पर पुलिस अधिकारी को ज्ञापन देकर कार्रवाई करने की मांग की है। हालांकि ज्योति मौर्य ने इस वीडियो को फेक बताया है। उनके पति आलोक ने भी इस वीडियो को लेकर कोई दावा नहीं किया है। सोशल मीडिया पर एक और दावा किया जा रहा था कि ज्योति मौर्य और उनके कथित प्रेमी मनीष दुबे को नौकरी से निकाल दिया गया है। यह तथ्यात्मक तौर पर गलत है। प्राप्त सूचना के आधार पर इस वक्त तक न तो ज्योति मौर्य और न ही मनीष दुबे पर किसी कार्रवाई की सूचना है। ये जरूर है कि आलोक मौर्य ने जो 100 पन्नों का दस्तावेज सौंपा है उसमें गंभीर आरोप लगे हैं, लेकिन सिर्फ आरोपों के आधार पर किसी को नौकरी से हटाया नहीं जा सकता। आलोक मौर्य ने अपनी एसडीएम पत्नी के खिलाफ जो सबूत सौंपे हैं उनकी जांच होगी, आरोप सिद्ध होने पर समुचित कार्रवाई होगी। सोशल मीडिया और कुछ न्यूज प्लेटफॉर्म्स पर ज्योति मौर्य की बर्खास्तगी की खबर चल रही है जो कि गलत है। टाइम्स नाउ नवभारत, डिजिटल की रिपोर्ट।